2024 पर्यंत देशातील प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवणार, त्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासात हातभार लागेल असा विश्वास केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी पुण्यात आयोजित शाश्वत पाणी व्यवस्थापन विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत आज व्यक्त केला. शाश्वत पाणी व्यवस्थापनासाठी भूजलाच्या पाण्याचं नियोजन आणि संवर्धनाची आवश्यकता असून राजकीय आणि भौगोलिक सीमा ओलांडून जागतिक पातळीवर पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं शेखावत यांनी म्हटलंय. इस विषय पर ये जो दो दिन की तीन दिन की कार्यशाला यहाँ हो रही है, निश्चित रूप से ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आज भारत जैसे विशाल देश में जहाँ अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होने के कारण से और साथ ही साथ में क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव के कारण से जिस तरह की चुनौतियाँ सामने आई हैं, इतने बड़े जल समृद्ध भंडार होते हुए भी आज हमारा देश जिस तरह से पानी के विषय को लेकर के जिस तरह की चुनौतियाँ हमारे सामने आई है, ठीक तरह से प्रबंधन के दिशा में बात करने और काम करने की आवश्यकता है. जब मैं प्रबंधन कहता हूँ तो पानी के सारे एस्पेक्ट्स को, चाहे वो समुद्र का पानी है, चाहे वो नदियों का पानी है, चाहे तालाबों झीलों का पानी है, चाहे झरनों का पानी है, वहाँ से लेकर के जो पानी उपयोग में आता है, चाहे घर में आता है, उद्योग में आता है या खेती में आता है, और उसके साथ साथ में जो पानी उद्योग घर में उपयोग के बाद में या उद्योगों में उपयोग के बाद में निकलता है, वो सारा पानी सूवेज वाटर या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इन सब को ठीक से प्रबंधन करने के लिए दिशा में काम करने की आवश्यकता है. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की सरकार प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए ये प्रबंधन और भी अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है. मैं मानता हूं कि जिस तरह से तीन दिन की इस कार्यशाला में इन विषयों पर विचार होगा, ये एक नया मार्ग इस दृष्टिकोण से प्रशस्त करेंगे. देखिए, जल जीवन मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया है, 50 बिलियन US डॉलर्स, लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए के बजटरी का एक्सपेंडिचर, कमिटेड बजटरी एक्सपेंडिचर अगले 5 साल से इस दिशा में होने वाला है. कल्पना कीजिए कि देश के प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर तक जब पीने का पानी पहुंचेगा, तो किस तरह से उसके कारण से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा. आज पीवीसी पाइप बनाने वाली, डक्टाइल आयरन बनाने वाली कंपनियाँ से लेकर के उन निर्माताओं को से लेकर के और जिस तरह का श्रम का विनियोजन इस दृष्टिकोण से गांव-गांव में होगा, इसके कारण से आने वाले 2 क्वार्टर्स में इकोनॉमी को भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट इस दृष्टिकोण से मिलने वाला है.